नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक जिसके साथ आप वर्क कर सकते हैं। यूँ तो आप इसके साथ कभी भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि न्यू मून आ रहा है, ये एक ब्यूटीफुल टाइम है मैनिफेस्टेशन का। अगर आपने मेरे सारे न्यू मून के जितने भी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मैं वैसे सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो सारे रिचुअल्स भी आप कर सकते हैं। और न्यू मून से आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप बे लीफ रिचुअल हो गया एंड साथ में आप जनरल भी लिख सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक है आपके लिए एक लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग टू एंजल्स। मेरे डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स के बारे में भी आप जो भी वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखें, कौन से एंजल के साथ आपको कैसे वर्क करना चाहिए। डिफरेंट एंजल्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। आप किसके साथ कनेक्टेड हैं? अगर आपको याद नहीं है या आपको नहीं पता कि आप किसके साथ कनेक्टेड हैं, तो आप सिंपली इस लेटर में लिखेंगे डियर आर्क एंजल या डियर एंजल या डियर गार्डियन एंजल। हर किसी के पास, मेरे पास, आपके पास, सबके पास अपने अपने गार्डियन एंजल्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी गार्डियन एंजल कौन है, तो आप सिंपली लिखिए डियर गार्डियन एंजल, उनको पता चल जाएगा। जब तक आपको इस प्रोसेस में भरोसा ना हो, इस लेटर राइटिंग की टेक्निक को बिल्कुल भी मत लिखिएगा, बिल्कुल भी इसके साथ वर्क मत करिएगा, क्योंकि आपको इस पूरे टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ इसके ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। बिना भरोसे के ये जो टेक्निक है बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आप एंजल्स पे भरोसा करते हैं, अगर आप उन्हें मानते हैं, तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर करें। मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होते हैं, हर वक्त मेरे एंजल्स मेरे साथ होते हैं। यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैंने फर्स्ट आपको पहले ही बता दिया कि आपको ट्रस्ट रखना है, एंजल्स पे ट्रस्ट करना है। दूसरी बात, अगर आप जानते हैं कि अगर फाइनेंस के लिए आपको कौन से आर्क एंजल के साथ वर्क करना है, फॉर एग्जांपल आप एरियल के साथ वर्क करना चाहते हैं, आप यूरियल के साथ वर्क करना चाहते हैं, आप प्रोटेक्शन के लिए आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आर्क एंजल माइकल के साथ काम कर सकते हैं, हेल्थ के लिए आप आर्क एंजल रफाइल के साथ काम कर सकते हैं, स्लिम होना है आपको, ब्यूटीफुल दिखना है, नया घर लेना है, रेनोवेशन कराना है, कार लेना है, कलर कौन सा होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको चूज़ करनी है, तो आप आर्कएंजल जोफियल के साथ वर्क कर सकते हैं। आपको क्या करना है इसमें, एक मैं पूरा फॉर्मेट अभी आपके सामने दे रही हूँ। इस फॉर्मेट के थ्रू आपको समझना है कि आपको लेटर राइटिंग कैसे करना है। एंजल्स को जब तक आप हेल्प के लिए नहीं बुलाएंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। इस लेटर राइटिंग के प्रोसेस के पहले आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये कि आपका जो मन है, जो आपकी यू नो माइंडसेट है, वो एकदम पॉजिटिव, काम एंड क्वाइट होना चाहिए। तो न्यू मून वाली रात, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको मून बाथ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आपके वहाँ पे बारिश हो रही है तो मैं क्या करूँ, मैं तो बाहर नहीं जा सकती, मून तो मुझे नहीं दिख रहा, तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप अपने रूम में ही रहें। मून तो ज़रूर निकला है, ओके, रोज़ वहीं पे है मून, वहीं पे है सन, ओके, हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, क्लाउड्स आया है, तो आप छत पे नहीं जा सकते, आप पार्क में नहीं जा सकते। जैसे मैं कहती हूँ मून बात लीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज़ करना है। यहाँ पे आपको ये विजुलाइज़ करना है कि मदर मून आपके सामने है और उनके साथ आप थोड़ा सा मेडिटेट ज़रूर करें। जो भी म्यूज़िक, जो भी गाइडेड मेडिटेशन, चाहे आपको ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र है वो अच्छा लगता है तो आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र करें, आपको कोई और ओम मणि पद्मे हम अच्छा लगता है आप उसके साथ जुड़ें, ओम गण गणपतये नमः अच्छा लगता है, या सिर्फ सिंपल एंजल म्यूज़िक आप टाइप करते गूगल में, आप देखेंगे वो ब्यूटीफुल म्यूज़िक आपके जब कानों में बजेगा तो आपको लगेगा कि हाँ आप शांत हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, आपको डांस करके लगता है कि आप काम हो सकते हैं, आपका माइंड फ्रेश हो सकता है, तो आप डांस करें। कोई भी गाना जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो सुने, ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, एंड उस पर डांस कर सकते हैं आप, कोई मंत्र सुन सकते हैं आप, लेकिन बेसिकली आपको एकदम हाई वाइब्रेशन में रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है, ब्लैंक करना है अपने आप को, एकदम काम एंड क्वाइट रहना है। उसके बाद आप ये लेटर राइटिंग शुरू करेंगे।
अब लेटर राइटिंग का मैं फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं जो आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ, ये फॉर्मेट है कि मैं आर्कएंजल माइकल को कैसे मैं उनसे बात करूँगी, उनसे मैं क्या कहूँगी। आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। या स्पेशली आपके क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो मैं और इस पे वीडियोस आपके लिए मल्टीपल वीडियोस का एक सीरीज़ में बना दूँगी, जिसमें आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन जब तक क्लियर ना हो तब तक आप इस पे वर्क नहीं करें, ओके। तो मैं यही बोलूँगी आपको, ऑलराइट। तो अब मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है और वर्ड्स जो हैं, जो मैसेज है, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ऑलराइट, सो आप देख लीजिए फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट ऐसे होगा कि आपको स्टार्ट करना है टू, आप लिखेंगे टू से, टू आर्क एंजल या फिर एंजल, या आप लिखें गार्डियन एंजल। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम योर नेम, आपका नाम, जैसे मैंने यहाँ पे सुष्मिता भी लिखा है, आप लिखेंगे नाम। फिर लिखेंगे सेंट, कौन से डेट पे आप उसे भेज रहे हैं। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये है 5/8/2021, वैसे जिस भी डेट पे आप लिखेंगे। देन आप लिखेंगे डियर आर्क एंजल, अगेन वही रूल है कि आपको अगर नाम पता है तो आप लिखेंगे, नहीं पता तो आप नहीं लिखेंगे। देन एंजल लिखें या गार्डियन एंजल लिखें, सबसे पहला रूल जो है आपको उनको थैंक यू बोलना है। जैसे मैंने थैंक यू बोला उनको, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी ऑलवेज, फॉर प्रोटेक्टिंग मी एंड फॉर ऑलवेज स्टैंडिंग बाय माय साइड। बिकॉज ऑफ यू आई ऑलवेज फील प्रोटेक्टेड एंड हाई इन एनर्जी। आई एम एक्चुअली हैविंग अ रॉकिंग लाइफ। थैंक यू सो मच Archangel Michael, I need your little help for my upcoming workshop so that I should remain in high energy and do my work with the same and attract good energy people and guide them and transfer energies they need. Thank you, thank you, thank you, thank you. I love you. उसके बाद आप अपने राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पे भी आप अपना नाम लिखें उसके ऊपर सिग्नेचर ज़रूर करें, ओके, जो सिग्नेचर आप करते हैं। तो आपने ये फॉर्मेट देख लिया, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। अब इस लेटर के साथ आप क्या करेंगे, आप इस लेटर को अपने साथ रख सकते हैं पूरे वक्त। आप या तो इसको छोटे पेपर में लिखें कि आप अपने पॉकेट में रख सकें, आप अपने पर्स में रख सकें, इसको आप पिलो के नीचे अंडर द पिलो रखें या साइड टेबल पे रखें, सो दैट कि आप सुबह उठते ही इसे पढ़ें, रात को सोने के पहले आप इसे पढ़ें। या आप अगर जनरल बना रहे हैं, जनरल में लिखना चाहते हैं, आप उसे लिखें। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप इसे लिखने के बाद, जैसे न्यू मून में हम रिचुअल्स करते हैं, आप इसे बर्न करके यूनिवर्स में इसको ब्लो कर सकते हैं। तो आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं इसे अपने एक किसी भी डायरी के अंदर या रजिस्टर के अंदर रख लेती हूँ और रोज़ मैं इसे मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, नाइट में, इसे एक एक बार पढ़ लेती हूँ। जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, इनकी एनर्जीज़ मेरे साथ हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। और जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मैं कुछ और एक्सपेक्टेशंस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने उन्हें बता दिया है कि उनको ये काम करना है, उनकी मैंने हेल्प मांग ली है, वो हेल्प मुझे ज़रूर करेंगे। ये ट्रस्ट मैं हमेशा रखती हूँ और यही मैं आपको गाइड करूँगी। ये ट्रस्ट बना के रखेगा। ये एक इतना ब्यूटीफुल टेक्निक है जो 100% 1000% वर्क करता है। लेकिन ये तभी वर्क करता है जब आप इस चीज़ को करने के बाद उसे लेट गो कर दें, ओके। मैं 30 डेज तक या 15 डेज तक इसे पढ़ती हूँ, उसके बाद इसको मैं अपनी डायरी के अंदर रख देती हूँ और मैं इसके बारे में भूल जाती हूँ और वो काम मेरा हो जाता है, ओके। इसी तरह से मैं अपने सारे लोगों को, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने लोग भी मेरे पास एंजल थेरेपी या एंजल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन सब के लिए भी मैं एक ऐसा ही लेटर लिखती हूँ कि आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफायल, आई नीड योर हेल्प टू ट्रीट दिस क्लाइंट, आप प्लीज़ इसे ट्रीट करें, वो इस तरह से इस सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, किसी पे ब्लैक मैजिक है, किसी को कोई ट्रबल है कि उनकी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो सब कुछ माइकल हटा देते हैं, किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो आप मेटाट्रॉन से, आप बहुत बहुत सीरियस हैं तो आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन से बात कर सकते हैं, कोई करियर की बात कर रहा है तो मैं गैब्रियल को बोल देती हूँ। तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और भी मैं और कैसे आर्कएंजल्स, कौन कौन से आर्कएंजल्स क्या क्या वर्क करते हैं, ये सीरीज़ भी मैं और आगे बढ़ाऊँगी। मैंने
तीन या चार आर्कएंजल के बारे में आप लोगों को बताया है, और एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल्ड मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन से आर्कएंजल का क्या वर्क है। उसे ज़रूर देख लें, वो आपको बहुत गाइडेंस देगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसे तसल्ली से देखें कि कौन से आर्कएंजल आपको कौन से फील्ड में हेल्प कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी भी एंजल को बुलाएं, उसके साथ आर्कएंजल माइकल को ज़रूर याद करें, ओके। अब कॉल कैसे करेंगे, इस लेटर को लिखने के पहले आपको कॉल ज़रूर करना है। तो जिस भी आर्कएंजल्स के साथ आप ये लेटर लिखना चाहते हैं, उनको आप बुलाएंगे 3 times, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मिनिमम 3 times है मैक्सिमम। जब तक आप अपनी आइज क्लोज करके उन्हें फील नहीं कर लेते, तब तक आप बोल सकते हैं, ओके। कई लोगों को फील होता है, अगर आप बहुत सेंसिटिव हो तो आपको लगेगा कि हाँ वो आ गए, उनका प्रेजेंस है, या तो आपको बहुत गर्मी लगने लगेगी, या आपको ठंड लगने लगेगी, ओके, या फिर आपको गूज बम्स आने लगेंगे, आपको फेदरी टच लगेगा, फ्रेग्रेंस आएगा, कुछ भी इस तरह के। ऑल्दो मैं एक सिंबल का एक अलग से आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आर्कएंजल्स या एंजल्स आपके आसपास होते हैं तो क्या क्या सिंबल्स देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। पर ये सारे आपको सेंसेशंस हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी या आप सेंसिटिव हैं। अगर नहीं भी होते हैं तब भी ट्रस्ट रखिएगा प्रोसेस पे और करिएगा। आप कैसे बोलेंगे, जैसे मैं आर्कएंजल माइकल को बुलाना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम इन द प्रेजेंट टाइम एंड स्पेस, प्लीज़ इस वक्त इस जगह पे आइए, एंड प्लीज़ लिसन टू माय विशेस, टू माय प्रेयर्स विच आई हैव। या फिर आप बोल सकते हैं जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ या जो मैं आपसे हेल्प लेना चाहती हूँ उसके लिए आप मुझे हेल्प करें। इस तरह से आप उन्हें बोलें और उसके बाद इस फॉर्मेट में लेटर को लिखें। 30 days एटलीस्ट आप इसे पढ़ें, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो आप 15 days तक पढ़ के इसे बिल्कुल लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है। इसे रख दे या फिर बर्न कर दे, एंड यूनिवर्स में और एंजल्स के ऊपर बिल्कुल इसे छोड़ दे, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी अगर आप ट्रस्ट से ये प्रोसेस करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारे डिटेल्स पसंद आए होंगे और आप इस लेटर के हेल्प से अपने वो सारे विशेस पूरी कर सके जो आपके विश हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।